Welcome, you all, dear students. Today, we are going to discuss a topic from the Delhi Sultans, and our topic is comparison between the administrative system of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. Dear students, uh, in 1219, Mongols, under the leadership of Genghis Khan, invaded Transoxiana. Uh, that lies in northeast Iran, which Jo modern -day Uzbekistan. उसको इन्वेट करके फतह किया कांकर किया उन्होंने तो आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया उन्होंने डेली सल्तनत पर भी ऑन स्लॉट शुरू किया यानी अटैक्स शुरू किए ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खल जी मंगोल्स ने अटैक्स किए और मोहम्मद तुगलक के दौर में भी डेली सल्तनत पर अटैक्स किए आज हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन दीज़ टू सुल्तानस ऑफ द दिल्ली सल्तनत कि किसने कौन सा uh, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनाया यानी किसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा रहा सक्सेसफुल रहा फेलियर रहा या किसने कौन से डिफेंसिव मेजर्स अपनाए तो आज इनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सक्सेसफुल रहा अगेंस्ट यानि जो मंगोल इन्वेजेंस थे उनको टेकल करने पर नंबर वन डेली वाज अटैक ट्वाइस इन ट्वेल्व नाइनटीन नाइन टू थर्टीन हंड्रेड एंड थर्टीन हंड्रेड टू टू थर्टीन हंड्रेड थ्री सो अलाउद्दीन खलजी रेज़ ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एज ए डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खलजी के दौर में यानी ट्वेल्व नाइन्टी सिक्स टू थर्टीन हंड्रेड सिक्सटी थर्टीन हंड्रेड सिक्सटीन तक इसका दौर था ट्वेंटी ईयर्स तो मंगोल ने अटैक्स किए दो बार अटैक्स किए ट्वेल्व नाइन्टी नाइन टू थर्टीन हंड्रेड उसके बाद अगेन अटैक्ट इन थर्टीन हंड्रेड टू टू थर्टीन हंड्रेड थ्री अलाउद्दीन खलजी ने क्या एक बड़ी लार्ज जो आर्मी है एक बड़ी आर्मी यानी रेज की उसने एक बड़ी आर्मी बनाई उसने एज ए डिफेंसिव मेजर अगेंस्ट द मंगोल्स मोहम्मद तुगलक ने क्या किया अपने रूलिंग ईयर्स में फ्राम थर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी फोर टू थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी वन द डेली सुल्तान सल्तनत वाज अटेक इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक सरेन ही डिफीटड द मंगोल आर्मी ही हैड अ प्लान टू अटेक ऑन ट्रांसोक्सियाना ही आल्सो रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी दिल्ली सल्तनत पर भी अटैक हुए जब मोहम्मद तुगलक सुल्तान थे जब मोहम्मद तुगलक के जो पहले पहले जो साल थे सल्तनत के यानी उसके उसके सुल्तान बनने के बाद तो दिल्ली पर भी मंगोल ने अटैक्स शुरू किए इवन कि उन्होंने मंगोल उस, मंगोल आर्मी को एक बार डिफीट भी दिया था यानि उनको शिकस्त भी दी थी उसके बाद उन्होंने प्लान एक बनाया ट्रांसोक्सियाना को अटैक करने का यानी वो चाहता था ट्रांसोक्सियाना को अटैक करके मैं काउकर करूँगा इसलिए उसने भी एक बड़ी आर्मी बनाई यानी उसने तश्किल दी एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है नंबर सेकंड, अलाउद्दीन खलजी कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गरस टाउन नेम्ड सीरी हिज सोल्जर्स अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया अपने रूलिंग ईयर्स में Uh, उसने एक uh, नया गिरसन टाउन बनाया बहुत सारे गिरसन टाउनस बनाए लेकिन सीरी जो था uh, ये एक इम्पॉर्टेंट uh, गरसन टाउन था उन्होंने ये अपने सोल्जर्स के लिए बनाया गरसन टाउन मीनज फोर्टिफाइड सेटलमेंट जहाँ पे किंग एंड हिज सोल्जर्स रहते हैं इंस्टेड ऑफ़ कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू गरसन टाउन मोहम्मद तुगलक कन्वर्ट द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर सिटीज़ ऑफ डेली डेली है कोहना इज़ गैरसन टाउन दियर बाई एम टीड ऑफ इट्स रेजिडेंट्स द रेजिडेंट्स वेयर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दाउलत आबाद इन द साउथ डेली मोहम्मद तुगलक ने क्या क्या उन्होंने नया गरसन टाउन बनाने के बजाय पुराने शहर को गरसन टाउन में कन्वर्ट किया यानि तब्दील किया दिल्ली में चार पुराने शहर थे फोर ओल्ड सिटीज़ थी यानि जहाँ पना दिली कोना, दौलताबाद एंड तुगलकाबाद, एक सिटी को उन्होंने एज गरिसन टाउन कन्वर्ट किया वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे उनको दूसरी यानी सिटी में शिफ्ट किया गया वो इलाका जो था दिल कोना जो था इसको खाली करा गया लोगों से उ, उन लोगों को दौलत आबाद में शिफ्ट किया गया यानी दे वेर शिफ्ट फ्राम वन सिटी टू तो अनदर सिटी आ, उन दिनों मोहम्मद तुगलक ने दौलत आबाद को दिल्ली सल्तनत का कैपिटल बनाया था नंबर थर्ड अलाउद्दीन खल कलेक्टेड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा यमुना गंगा एंड यमुना टू फीड हिज आर्मी द रेट ऑफ द टैक्स वाज फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द यील्ड अलाउद्दीन खल ने अपनी आर्मी को चलाने के लिए अपनी आर्मी को सैलरी देने के लिए uh, उन्होंने जो गंगा यमुना जो लैंड था उस पर जो प्रोड्यूस निकलता था यानी जो पैदावार निकलती थी यानी यील्ड जो निकलता था उस पर पेजेंट्स पर उन्होंने फिफ्टी परसेंट टैक्स लगाए यानी पेजेंट्स को द हैड टू प्रजेंट्स हैड टू पे, पे फिफ्टी परसेंट ऑफ देयर टोटल तो प्रोड्यूस यानी उनको जो टोटल प्रोड्यूस निकलता था उसका फिफ्टी परसेंट स्टेट को देना होता था यानी किंग को देना होता था मोहम्मद तुगलक ने क्या किया मोहम्मद तुगलक लेवीड एडिशनल टैक्सेस टैक्सेस एडिशनल टू फीड हिज आर्मी दिस द टर्म फैमिन इन द एरिया मोहम्मद तुगलक ने क्या किया उन्होंने एडिशनल टैक्सेस भी लगाए अपनी आर्मी को चलाने के लिए एक तो जो ऑलरेडी टैक्सेस होते थे वो लगाए और उसके अलावा भी उन्होंने यानी एडिशनल टैक्सेस लगाए लोगों पर मज़ीद टैक्सेस लगाए ताकि अपने आर्मी को वो फीड कर सके चला सके, उनको सैलरी दे सके क्योंकि उसकी आर्मी बहुत बड़ी आर्मी थी इससे क्या हुआ जब जो एडिशनल टैक्सेस लग इससे उस इलाके में उस सिटी में फैमिन आ गया फैमिन फैमिन मीनज़ एक्सट्रीम शार्टेज ऑफ़ फूड यानी गज़ा की किल्लत बहुत किल्लत हो गई कहत आ गया वहाँ पे नंबर फोर अलाउद्दीन खलजी चोज़ टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कीश रादर दैन इक्ताज ही कंट्रोल द प्राइस ऑफ गुड्स इन डेली दोज मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रस्क्राइबड रेट्स वेयर पनिश्ड अलाउद्दीन खर्जी ने क्या किया अपने सोल्जर्स की जो सैलरीज होती थी वो कैश में देते थे वो कैश में पे करते थे न कि इकताज में उनसे पहले जो रूलर्स थे वो इकताज में देते थे यानी जो सोल्जर्स की सैलरी होती थी वो एज लैंड ग्रांट दी जाती थी उनको सोल्जर्स को जो सैलरी होती थी लैंड ग्रांट्स दी जाती थी तो उसमें से वो सैलरीज ले लेते थे तो यहाँ पे ये अलाउद्दीन खल जो है कैश में सैलरी देते हैं और जो प्राइस ऑफ गुड्स हैं जो चीज़ों की कीमतें हैं उन पर भी उन्होंने कंट्रोल किया यानी काबू पा लिया प्राइस हाइक होने नहीं दिया वो मर्चेंट्स वो ताजर जो होते थे जो प्रस्क्राइबड रेट्स पर जो अपने चीज़ों को यानी अपने माल को अपने गुड्स को नहीं बेचते थे यानी वो वो ट्रेडर्स जो हाई रेट्स पे बेचते थे उनको पनिश किया जाता था मोहम्मद तुगलक पेड ही सोल्जर्स सैलरीज इन केश यहाँ पे ये पॉइंट सेम है मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सोल्जर्स की सैलरी केश में अदा की यानी वो करते थे अदा कैश में बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस ही यूज टोकन करेंसी रिमेंबर दिस टर्म टोकन करेंसी मेड ऑफ चीप मेटल्स नॉट गोल्ड एंड सिल्वर द पीपल सेव्ड गोल्ड एंड सिल्वर एंड पेड ऑल दियर टैक्सीज टू द स्टेट इन दिस टोकन करेंसी दिस चीप करेंसी कुड भी काउंटरफीटड ई ईजीली मोहम्मद तुगलक ने प्राइस कंट्रोल करने के बजाय ये टोकन करेंसी लागू कर दी टो वॉट इज़ टोकन करेंसी टोकन करेंसी वॉज मेड ऑफ चीप मेटल्स लाइक ब्रास एंड कॉपर तो उन्होंने टोकन करेंसी इस्तेमाल की हिस्टोरियंस का कहना है कि उन दिनों यानी ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक सिल्वर का सिल्वर की बहुत शॉटिज हुई थी तो उस इसलिए उस आ, उन्होंने आ, टोकन करेंसी यानी जो कॉपर और ब्रास की बनी हुई थी उनको यूज़ किया तो और उनका वैल्यू भी गोल्ड और सिल्वर जितना रखा लेकिन हमें पता है Uh, कापर और ब्रास का भी सोना और चांदी नहीं बन सकते तो ये इसका फैलेशस मेजर था गलत ये एक डिसीजन था इससे क्या हुआ जो ये टोकन करेंसी थी फोर्टीन uh, सेंचुरी में जो लोग थे वो बहुत स्मार्ट थे उन्होंने अपने गोल्ड कोइनज़ और सिल्वर कोइनज़ यानी गोल्ड एंड सिल्वर बचा लिया और uh, जो भी टैक्स वो देते दे थे वो इसी uh, टोकन करेंसी का देते थे यानी टोकन करेंसी जो होती थी वही पे करते थे वो जो टैक्स देते थे यानी जो टैक्स का जो पैसा होता था जो टैक्स देते थे वो टोकन करेंसी ही देते थे ना कि गोल्ड एंड सिल्वर तो इससे क्या हुआ और ये जो टोकन करेंसी है ये बड़ी आरा, आराम के साथ यानी ईज़िली इसको काउंटर किया जा सकता था यानी इसकी कापी बनाई जा सकती थी इसकी नकल उतारी जा सकती थी नंबर फाइव अलाुद्दीन खलजीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेर क्वाइट सक्सेसफुल ही सक्सेसफुली विथ दैट ऑफ मंगोल इन्वेजन्स। अलाउद्दीन खल ने खलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स थे वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे कामयाब रहे क्योंकि हम जो है ऊपर हमने अभी पॉइंट्स पढ़े यानी उन्होंने उनके रूलिंग uh, ईयर्स में भी अटेक्स हुए दो बार अच्छा उसने एक आर्मी बनाई उसने नया गेयरसन टाउन बनाया सीरी में अपने फौजों के लिए उसने फिफ्टी परसेंट ही टैक्स रखा पेजेंट्स की ही पे, पेजेंट्स पर यानी उन्होंने एडिशनल टैक्सेस नहीं लगाए उन्होंने अपने सोल्जर्स की जो सैलरी होती थी वो कैश में पे करते थे ना कि इकताज़ में उन्होंने प्राइस कंट्रोल भी किया यानी प्राइस जो गुड्स का था उसको भी कंट्रोल किया प्राइस हाइक होने नहीं दिया अच्छा जो प्रेस्क्राइब रेट्स होते थे उस पर जो अमल नहीं करते थे उन ट्रेडर्स को सज़ा भी दी जाती थी तो इन पॉइंट्स से हमें पता चलता है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था काफ़ी मज़बूत था और सक्सेसफुल था उसके बरक्स जो मोहम्मद हैं हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रूव्ड ए फेलियर उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था निज़ाम था वो नाकाम हुआ बिकॉज ऑफ थ्री फैलशस मेजर्स नंबर वन दिल्ली कोना को कन्वर्ट करना इज़ ए टाउन लोगों को दिल्ली कोना से दिल्ली कोना से शिफ्ट करना दौलत आबाद ये एक फैलाश मेजर था सेकंड था फैमिन फैमिन किस वजह से आया जो एडिशनल टैक्सेस लगाए नंबर थर्ड था टोकन करेंसी टोकन करेंसी इससे तो बिल्कुल काफ़ी हालात ख़राब हो गए यानी ज़ियाउद्दीन बरानी कहते हैं एवरी एवरी मैन इज हाउस बिकेम ए मिंट यानि हर एक का घर मिट बन गया मिनट उसको कहते हैं जहाँ पर करेंसी तैयार की जाती है यानि हर एक काउंटर फीट कर सकता था उस टोकन करेंसी को जो ये थ्री फैलेशस मेजर्स है इसकी वजह से, से मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो फेलियर साबित हुआ एक प्रूवड अनसक्सेसफुल ए फेलियर तो ये था आज का हमारा टॉपिक Hope you enjoyed this topic. Thank you.